हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई होप कि आप सब ठीक हो। तो आज का व्लॉग एक नए तरीके से नए मॉल पे होने वाला है, जो कि काफ़ी खूबसूरत है। सो लेट्स गो टुगेदर एंड एक्सप्लोर दिस ब्यूटीफुल मॉल। तो शहजर को कुछ कपड़े पसंद आए तो शहर आ गया बाहर। शहर एकदम एक नंबर परफेक्ट। हाँ प्लीज़ बताएं कि ये शहर पे कैसा लग रहा है ये। बच्चों के लिए तो बिल्कुल ही, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें ऐसी इन्होंने बना रखी है। पार्क है ऐसे छोटे छोटे हर एक जगह पे, शॉप्स हैं, रेस्टोरेंट्स हैं। सबसे बड़ी बात की वो वाइब है जो बाकी के मॉल्स में आपको देखने को नहीं मिल रही है। तो वैसे भी हमारी पुरानी रीति रिवाज है कि पहले पसंद करो, देन ट्राई, देन बाय। तो वही फिलहाल हम अभी कर रहे हैं। टेक रेडी कैमरा, एक्शन रोल। परफेक्ट सर, इस फिल्म में सर मैं तेको ही कास्ट कर रहा हूँ। शेजर इज ऑन फायर इन द ट्रायल। लेट्स टॉक अबाउट कोरोना सिचुएशन इन यूक्रेन राइट नाउ। अभी फिलहाल हालात ऐसे हैं कि अंडर कंट्रोल है, और इन फ्यूचर मुझे नहीं लगता है कि ये चीज़ें और बढ़ेंगी। तो आप बेफिक्र हो के आप यूक्रेन में आए, आपको इशू नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि आपको कहीं पर भी जा रहे हो किसी शॉप में या मॉल में तो आपको वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट दिखाने पड़ेंगे, या फिर कोई रूल्स एंड रेगुलेशन है, कोई रिस्ट्रिक्शन है, ऐसा कुछ नहीं है। बट ये है कि हाँ, फिर भी अपनी तरफ से प्रिकॉशंस लें, मास्क प्रॉपर लगाएं, और जब तक ये चीज़ें बिल्कुल ख़त्म नहीं हो जाती हैं थोड़े से प्रिकॉशंस लें और अपने आप को सेफ रखें, ये ज़्यादा ज़रूरी है। अभी शहजर ऐसे ट्रायल रूम में है, तो मैं ये सब चीज़ें ट्रायल रूम में बोल रहा हूँ, तो मैं थोड़ा सा वियर्ड है, बट मैं उससे पूछता हूँ, देखता हूँ कैसे रिएक्ट करता है। शहजर क्या सोचता है कोरोना सिचुएशन के बारे में, कि अभी कोरोना के क्या हालात हैं सर यूक्रेन में? सर मैं वेरिएंट अभी तक नहीं दाखिल हुआ है इस कंट्री में। तो फिलहाल ऐसा नहीं कि सर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं, हम कहीं पे भी आ जा सकते हैं, जैसे शहर को देख सकते हैं, फुल्ली वैक्सीनेटेड है और बिना मास्क के गलत है। तो
दिस वन इज टेक 20 सर, एक नंबर तू ले ले सर अब। देखते हैं इसका इंटीरियर थोड़ा सा अच्छा इस वजह से क्योंकि इसमें इंटीरियर डिजाइनिंग जो की गई है इसमें अलग अलग तरीके के स्टैचूज और थोड़ा सा पार्क का थीम है इसमें, तो उस लिहाज से थोड़ा अलग है। बात बाकी मॉल सा है और कुछ नहीं, थोड़ा एरिया वाइज छोटा ही है लवीना से। लवीना का यहाँ का सबसे बड़ा मॉल है तो लवीना से थोड़ा छोटा है, लेकिन इसका इंटीरियर ज़्यादा खूबसूरत है लवीना कंपेरिजन में। बात बाकी जो कॉमन शॉप्स है वहाँ है वो यहाँ है, ऐसा मेरे खास अभी तक तो हमने कोई नया शॉप नहीं देखा है जो कि और मॉल में हो इसमें ना हो। अगर कोई मिलता है तो आपको ज़रूर बताते हैं, लेकिन फिलहाल ऐसा कुछ नहीं है। और प्राइस वगैरह भी सब सेम है। फिलहाल अभी क्रिसमस का मौका चल रहा है तो कुछ ऑफ सेल्स वगैरह मिल रहे हैं, पर आपको पता है सेल का क्या रूल है, जो चीज़ें अच्छी नहीं होती उन पर सेल लगा देते हैं और जो चीज़ें अच्छी होती हैं उस पर नहीं लगाते। तो एक कॉमन सी चीज़ है, ग्लोबल है, ऐसा हर जगह होता है। वो सब अलग सी बात है, आप ये बताएं कि मुझे लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। ये मॉल वाकई में बहुत खूबसूरत है, जैसे कि शहर ने कहा वो सारे स्टोर्स अवेलेबल हैं जो कि आप नॉर्मली बाकी के मॉल्स में देख रहे थे, लवीना मॉल, स्काई मॉल, ओशन प्लाजा। हाँ तो काफ़ी शॉपिंग हो गई है फाइनली, तो सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग।